तो सो ये एंड्रॉयड स्मार्टफोन और ये आईफोन। एंड्रॉयड में यूज़ करें व्हाट्सएप को, हम आईफोन में ट्रांसफ़र करेंगे वो भी बिना किसी डेटा लॉस की। तो अभी यहाँ पे मैं व्हाट्सएप यूज़ कर रहा हूँ और इस व्हाट्सएप में जितने भी चैट हैं या पूरा व्हाट्सएप यू कहें तो हमें इस आईफोन में ट्रांसफ़र करना है। ट्रांसफ़र करने के लिए क्या करना है आपको कि अपने आईफोन में जितना भी डेटा है उसको आई क्लाउड में आप स्टोर कर लो ताकि आपका डेटा लॉस ना हो, यहाँ पर फ़ोन रीसेट होगा। तो इसके लिए आपको करना क्या होगा, यहाँ पे आईफोन में आपको अपने सेटिंग्स पे जाना होगा। जाने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है और जनरल पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप वापस स्क्रॉल डाउन करोगे और नीचे यहाँ पे ट्रांसफ़र और रीसेट आईफोन का ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। फिर यहाँ पे एरेज ऑल कंटेंट एंड सेटिंग्स पे क्लिक करना है आपको। फिर यहाँ पे आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आपको अपना आईफोन का पासकोड एंटर करना है। तो यहाँ पे मैं अपना पासकोड एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद यहाँ पे आई क्लाउड में डेटा स्टोर होगा या फिर आप इसे स्किप कर सकते हो। अपना आईडी एंड पासवर्ड आपको यहाँ पे एंटर करना हो तो आईडी यहाँ पे दिया है, पासवर्ड आपको एंटर करना है जिससे फ़ोन आपका रीसेट हो जाए। तो यहाँ पे अपना मैं आईडी पासवर्ड जो है मैं एंटर कर दिया। उसके बाद से फिर आपको यहाँ पे टर्न ऑफ पे क्लिक करना है। फिर एरेज आईफोन का ऑप्शन देखने को मिला, उस पर आपको क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद आपका जो फ़ोन है वो रीसेट होना स्टार्ट हो गया। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, रीसेट होने के बाद आप आसानी से डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हो। कैसे करना है, यहाँ पे आपका जो आईफोन है वो कम्प्लीटली रीसेट हो गया और ये जो आपका हेलो का ऑप्शन यहाँ पे मैसेज देखने को मिला है। होम बटन पे आप प्रेस करोगे, फिर यहाँ पे लैंग्वेज आपको सेलेक्ट कर लेना है, यहाँ पे कंट्री रीजन सेलेक्ट कर लेना है, फिर आपको यहाँ पे सेटअप मैनुअली पे क्लिक करना है, फिर कंटिन्यू पे क्लिक करना है। वापस से आपको यहाँ पे अपना वाईफाई पासवर्ड सेटअप करना है, फिर ज्वाइन पे क्लिक कर लेना है। फिर उसके बाद से आपको यहाँ पे थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा एक्टिवेट होने में इस फ़ोन को। उसके बाद से फिर यहाँ पे डेटा प्राइवेसी पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे टच आईडी को बाद में हम सेट कर लेंगे, तो यहाँ पे आईडी लेटर कर दे रहा हूँ मैं। फिर यहाँ पे डोंट यूज़ पे क्लिक कर दिया मैंने। फिर यहाँ पे आपको अपना पासकोड क्रिएट करना होगा, तो पासकोड यहाँ पे करके मैं यूज़ एनीवे पे करके वापस ये री एंटर कर दिया मैं पासवर्ड को जो मैंने यहाँ पे रखा है। उसके बाद से फिर यहाँ पे ऐप्स एंड डेटा में इतने सारे ऑप्शंस देखने को मिल रहे हैं, तो यहाँ पे मूव डेटा फ्रॉम एंड्रॉयड पे क्लिक किया, फिर यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे कोड आ रहा है, इस कोड को आपको एंटर करना है एंड्रॉयड में। यहाँ पे मूव टू iOS एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है अपने प्ले स्टोर से। फिर यहाँ पे एग्री पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है, फिर एग्री पे क्लिक करना है, ऑटोमेटिकली सेंड पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करना है और आईफोन का पासकोड जो है आपको यहाँ पे एंटर कर देना है इस एंड्रॉयड में। अब यहाँ पे मूव टू iOS जो है यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक कर देना है आपको, और ये एप्लीकेशन प्रिपेयर हो रहा है आईफोन से कनेक्ट होने के लिए और फाइनली यहाँ पे कनेक्टेड हो चुका है। क्या ट्रांसफ़र करना है आपको, व्हाट्सएप के सभी डेटा को ट्रांसफ़र करना है अपने एंड्रॉयड में, तो व्हाट्सएप पे हम क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे मूव चैट्स टू iOS का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। फिर आपको यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे प्रिपेयर हो रहा डेटा सारा। फिर नेक्स्ट पे आपको क्लिक कर लेना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देख रहे हो 68.7 MB का डेटा है जो iOS में ट्रांसफ़र होगा, मतलब आईफोन में ट्रांसफ़र होगा। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, उसके बाद से फिर यहाँ पे ट्रांसफरिंग फ्रॉम यहाँ पे शो हो रहा है। फिर आपको यहाँ पे एंड्रॉयड में डन पे क्लिक करना है क्योंकि डेटा ट्रांसफ़र हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, अपने iOS का सेटअप करते हैं। तो कंटिन्यू सेटिंग अप आईफोन, इस पर हमें क्या करना है, क्लिक कर लेना होगा और यहाँ पे अपना यूज़र आईडी आपको एंटर करना होगा। यूज़र आईडी एंड पासवर्ड एंटर करने के बाद यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन को आपको एग्री कर लेना है जिससे आप उस फ़ोन को यूज़ कर पाओ। फिर वापस यहाँ से आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा, ऑटोमेटिकली फ़ोन जो है सेटअप हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है, उसके बाद से अगेन कंटिन्यू पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे सेटअप लेटर पे कर दिया, फिर मैंने गेट स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पे फाइनली आपका जो आईफोन है वो रेडी हो गया और आपका व्हाट्सएप इसमें ट्रांसफ़र हो चुका है। इसके लिए आपको ऐप स्टोर से व्हाट्सएप को इंस्टॉल कर लेना होगा। इंस्टॉल करने के बाद जो है जिस आईडी से आपने एंड्रॉयड में ऑफिस ये चला रहे थे आप व्हाट्सएप, वही मतलब नंबर जो है यहाँ पे हमें एंटर करना होगा। तो यहाँ पे अगर मैं इसको ओपन करूँ इस व्हाट्सएप को, तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे लॉग आउट हो चुका है। यहाँ पे नंबर एंटर करेंगे, एंटर करने के बाद इसमें हम ओपन कर लेंगे। अभी यहाँ पे फ़िलहाल ये मूव चैट्स फ्रॉम एंड्रॉयड पे स्टार्ट पे क्लिक कर देना है, फिर अगेन स्टार्ट पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पे परमिशन अलाउ कर लेना है, उसके बाद से फिर यहाँ पे डन पे क्लिक कर लेना है। अब यहाँ पे डेटा आपका इंपोर्ट हो रहा है
और फाइनली यहाँ पे 100% इंपोर्ट हो चुका है। नेक्स्ट पे हम क्लिक करेंगे और वापस से अपने एंड्रॉयड के सभी चैट को यूज़ कर पाएंगे। तो नेक्स्ट पे मैंने क्लिक किया, यहाँ पे आप नाम दे दो, डन पे मैंने क्लिक किया और यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि सभी चैट्स यहाँ पे हमें एज इट इज़ जैसे एंड्रॉयड में थे वैसे ही यहाँ पे भी देखने को मिल रहे हैं। तो इस तरीके से आप अपने एंड्रॉयड से व्हाट्सएप को ट्रांसफ़र कर सकते हैं अपने iOS में या आईफोन में। कैसा लगे वीडियो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं वीडियो में एक नए टॉपिक तक के लिए। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।